वेलकम बैक माय चैनल अंकित सॉल्यूशन। दोस्तों हम आज आप एक तो टेंडा का जो राउटर होता है, तो वो हाई रेंट का जो राउटर आता है वो आज अनबॉक्सिंग करेंगे और उसका सब कुछ डिटेल्स में आपको बताएंगे, क्या स्पीड है, बेस्ट है या नहीं, आपको खरीदना है नहीं खरीदना, आप खरीद चुके हैं तो उसका परफॉर्मेंस क्या है, सब कुछ डिटेल्स आपको हम आज बताना चाहेंगे। तो वीडियो लेट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं, जो हमारे नए देख रहे हैं हमारे चैनल को, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। और दोस्तों हमारा जो इंस्टाग्राम है वहां से आप फॉलो कर सकते हैं और हमारा जो टेलीग्राम है वहां से आप आके भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा जो फेसबुक पेज है वहां से आप आके भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है टेंडा का SC1200 मॉडल जो आता है, जो गेमिंग वाला राउटर आता है। आपको दिखा देते हैं, ये है इसका मॉडल, वेबसाइट में आप देख सकते हैं मिलन। तो उसको हम चले पहले अनबॉक्सिंग कर देते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज दिया जा रहा है उसके बाद आपको पूरी डिटेल्स हम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो को साइड में रखते हैं। तो पहले चीज देख लेते हैं, ये टेंडा का कुछ मैनुअल गाइड दिया गया है, इंस्टॉलेशन गाइड दिया गया है, आप कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे, क्या क्या करेंगे, इसमें भी सब कुछ लिखा गया है, उसको बाद में हम देखेंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, एक तो RJ45 का लैन कनेक्शन दिया जा रहा है, उसके साथ छोटी सी केबल दिया जा रहा है और ये है दोस्तों उसका पावर अडाप्टर, आपको दिखा देते हैं। दोस्तों जो अडाप्टर होता है उसका इनपुट है 100 से 240 वोल्ट तक और 50 से 60 मेगाहर्ट्ज़ तक और 0.4 एम्पियर तक। तो उसका जो आउटपुट निकलता है दोस्तों, ये 9 वोल्ट 1 एम्पियर का आउटपुट निकलता है और वैसे कुछ भी नहीं है इसका अडाप्टर। दोस्तों देख सकते हैं, दोस्तों 4 एंटीना वाला टेंडा का राउटर है, तो नीचे से दिखा देते हैं। जैसे दोस्तों ये टेंडा का जो लिख रहा है कि टेंडा 1200 MAU MIMI का डुअल ब्रांड जो गीगाबाइट का राउटर आता है, इसका सब मॉडल लिखा है, उसका IP लिखा गया है और उसका जो वेबसाइट है वहाँ भी लिखा गया है, उसका पावर कितना है वहाँ भी मेंशन कर दिया गया है, मतलब इसमें कितनी नहीं है उसके बाद आपको दिखा देते हैं। दोस्तों पहले हम देखते हैं उसका लुक, तो पहले लुक में देखने के लिए बहुत ही अच्छी दिख रही है और जो गेमिंग के लिए बना गया है, ये पूरा गेमिंग टाइप के लिए ही बना गया है, इसका डिजाइन लुक और उसका टावर भी गेमिंग टाइप बना गया है और उसका जो कैबिनेट है ये है प्लास्टिक कैबिनेट दोस्तों। तो उसका स्टाइल देख सकते हैं, उसका लुक डिजाइन भी देख सकते हैं, सब कुछ दिया गया है, डिजाइन कर भी बहुत और मोस्टली डिजाइन दिया गया है। तो उसको हम पहले एक बार ऑन कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो पहले आपको दिखा देते हैं, चारों लाइट दिया गया है, तो इंडिकेशन के लिए चारों लाइट दिया गया है, SYS दिया गया है, उसके बाद लैन दिया गया है, उसके बाद LAN दिया गया है, उसके बाद वाईफाई दिया गया है। तो ये चारों लाइट इंडिकेशन होता है
जैसे कि दोनों आंखें एक तरह तरह जैसे दिख रहा है, बहुत ही अच्छी दिख रहा है। तो फिलहाल उसके अंदर का चीज आपको बताना होगा, तो उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या नहीं है, तो वो चीज आपको बताएंगे अभी। तो उसमें देखेंगे तो ये दोस्तों 1.0 गीगाहर्ट्ज का एक तो सीपीयू इसके अंदर है, हमारा जो प्रोसेसर होता है इक्विपेड का जो प्रोसेसर होता है ये 28NN का प्रोसेसर होता है। और फिलहाल इसको पहले हम देखेंगे ये काम क्या करता है। तो फिलहाल ये मॉडेम नहीं है, ये फिलहाल राउटर है, और देखेंगे तो इसमें रिपीटर भी काम करता है और स्टैटिक आईपी में सब कुछ सेटिंग आपको बताएंगे हमारे लैपटॉप में क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है नहीं है। तो फिलहाल ये बेसिकली होता है ये राउटर है, आपका इंटरनेट जरूर होता है उसके बाद इसको आप यूज कर सकते हैं, आप इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। उसको आप चाहेंगे तो रिपीटर के तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको जियो फाई आता है जिसकी अदर इंटरनेट से ये आपको इंटरनेट जुगाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर 1.1 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू लगा है। तो ये जो स्ट्रीमिंग करने के लिए होता है, जो वीडियो कॉलिंग होता है, जैसे कि गेमिंग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होता है, तो ये सबसे बेस्ट होता है। और पहले उसका जो मॉडल आपको दिखा दे, मॉडल का जो वैल्यूएटर होता है क्या क्या है, तो इसका जो मॉडल है तो इसका जो गीगाबाइट 1200 का MBPS का ये वायरलेस राउटर है, ये ब्लैक कलर में आता है। और इसमें पहला जो फीचर है ये डुअल ब्रांड है, तो आपका दोनों ही ब्रांड इसके अंदर मिलता है, तो उसको हम बाद में आपको बताते हैं डुअल ब्रांड का वैल्यू होता है क्या और क्या क्या सेटिंग होता है, सब कुछ आपको बताएंगे। जो पहले देखेंगे तो ये गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट है, और आपका जो फाइबर ऑप्टिक लिए तो आपके डिपेंड करता है इंटरनेट के ऊपर, तो ये देखने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो उसमें दो का जो ब्रांड दिया गया है, उसका एक तो गया है तो उसका 5 GHz और 2.4 GHz, जो हमारा फिलहाल लैपटॉप में अभी सब अपग्रेड हो गया है, जो 5 GHz होता है और 2.4 GHz का जो एंटीना रेंज होता है। तो ये वायरलेस होता है, ये विदाउट मॉडेम में नहीं चलेगा, पहले आपको बता देता हूँ ये विदाउट मॉडेम में नहीं चलेगा। तो इसके पीछे आपको बता देता हूँ, एक देख सकते हैं एक तो पावर दिया गया है, एक तो लैन दिया गया है, उसके बाद 1 port 2 port और लास्ट में दिखा गया है कि IP, TV और 3। तो उसके साइड में है WPS और रिसेट बटन, तो आप जब भी कोई गलती हो गई तो उसको आप वहां से रिसेट कर सकते हैं। और दोस्तों WPS जो मोड होता है आप वहां से यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका IP सेक्टर के लिए ये स्पेशली अलग से दिया गया है, तो 6 IP में चलाता है, ठीक है दोस्तों, 4 IP और 6 IP में, मतलब उसके पीछे ये ऑप्शन है। तो और देखेंगे तो ये स्मार्ट LED दिया गया है, और जो उसका आउटपुट आपको बता दिया हूँ। और वायरलेस के ब्रांड में चलेंगे तो आपका जो वायरलेस राउटर है तो उसका जो एंटीना का रेंज है, तो दोस्तों ये दोनों 5 GHz का जो IEEE 3i जो आता है, तो दोस्तों 802.11ac इसमें 5 ब्रांड में होता है, और 2 ब्रांड भी सेम होता है, लेकिन इसका रेंज 5 GHz का रेंज कम होता है, और जो 2.4 GHz उसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो रेंज होता है आपकी जो दीवार होगा दीवार से भी ज़्यादा होगा, मिनिमम आपका जो नॉर्मल मॉडेम होता है कि जैसे रिपीटर राउटर होता है तो उससे थोड़ा और ज़्यादा होगा हाई रेंज रेंज में। तो इसका स्पीड 1200 MBPS वायरलेस स्पीड होता है। तो 5 ब्रांड का जो होता है डुअल ब्रांड का जो आप 5 MHz का होता है ये 5G स्पीड से आपका मिनिमम जो स्पीड होता है वो ऑब्जर्व करेगा, और 2.4 बस थोड़ा स्लो होगा। तो दोस्तों इसमें देखेंगे तो उसमें USB पोर्ट नहीं दिया गया है, ठीक है, उसमें USB पोर्ट नहीं दिया गया है। एंटीना दोस्तों देखेंगे तो एक्सट्रीम स्पीड होता है, तो आपको जो स्पीड हम आपको दिखाएंगे स्पीड क्या है नहीं है, फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत ही स्पीड है हमारे वहाँ। तो तीनों लैन पोर्ट दिया गया है, पीछे से आपको दिखा दिया हूँ, सब कुछ दिखा दिया हूँ। ये 5 DBI का जो एंटीना है यूज किया गया है। तो इसके जो सिक्योरिटी ऑप्शन है तो दोस्तों ये WAP और SPK और तो दिया गया है WAP2 SPA के सब
जो हमारा सिक्योरिटी ऑप्शन दिया गया है, तो आपको सब कुछ दिया गया है। और दोस्तों इसमें दो तो वाईफाई दिखाएगा आपका 5 मेगाहर्ट्ज का और 2.4 मेगाहर्ट्ज का, दोनों ही दो वाईफाई अलग से दिखाएगा। आप उसको यूज कर सकते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। जो गेमिंग के लिए यूज करेंगे तो आप 5 मेगाहर्ट्ज यूज कर सकते हैं, उसको स्पीड ज़्यादा होता है। तो इसका जो साइज हम देखेंगे तो दोस्तों वाइड होता है 141.5 mm और डीप होता है 220 mm। और दोस्तों फिलहाल इसका वेट होता है 350 ग्राम और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी आता है 3 ईयर रहता है। तो डिफेक्ट होने पर ये आपका सर्विस सेंटर में वारंटी क्लेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।